आज हम लोग जो टॉपिक आप लोगों के लिए कराएंगे सेमेस्टर टू के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक है जिसमें नंबर भी बहुत ज़्यादा है। कौशिक के बाद हम यही कराने वाले थे लेकिन अचानक एमरजेंसी डिक्लेयर हो गया तो इसके कारण के लिए हम लोग नहीं किए। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को थ्रू वीडियो, कोशिश करूँगा एक प्रेजेंटेशन देने के लिए चार पांच वीडियो को और पांच छह वीडियो को कंबाइन करके कैसे ये चैप्टर को हम लोग कवर करते हैं। चैप्टर का नाम मैं स्टार्ट करता हूं ओवरहेड। ये ओवरहेड में क्या क्या आइटम कवर होता है एलिमेंट वाइज, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस पर लेबर, मुझे आज भी याद है प्रोबेबली राहुल बहुत बार क्वेश्चन करता था ये मुझको डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन चीज में एक चीज कॉमन है, क्या? दे आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट का मतलब पता चल जाएगा। डायरेक्ट का मतलब है अगर मेटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस आपके आउटपुट के साथ, मतलब प्रोडक्शन हो सकता है सर्विस हो सकता है, आपको अल्टीमेटली दो काम करते हैं आइदर प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब ये तीनों खर्चा अगर आप एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली लिंक करा सकते हैं, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट के लिए इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना एक्सपेंसेस, तो ये आपके लिए हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन यही कॉस्ट अगर आप इनडायरेक्टली है, मतलब अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो यह माना जाएगा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट इंप्लाइज कॉस्ट दैट इज द एक्सपेंडिचर directly identified with units produced or services रेंडर्ड। अच्छी तरह से समझिएगा, अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है तो इश्यू ही नहीं है। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं एक बिरयानी के लिए कितना आलू है, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं एक बिरयानी बनाने के लिए कितना राइस है, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं एक बिरयानी के लिए कितना मटन है चिकन है, लेकिन मैं ये कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं बावर्ची का भी खर्चा मैं देख सकता हूं लेकिन मैं ये कभी नहीं कर सकता एक बिरयानी बनाने के लिए कितना जो क्लीनिंग का काम करते हैं उसका खर्चा कितना हुआ है एक बिरयानी के लिए। क्या एक बिरयानी के लिए उसका पेमेंट होता है ना पूरा सिस्टम को सफा करने के लिए पेमेंट होता है पूरा सिस्टम को? एग्जैक्टली यू आर राइट। तो अगर पूरा सिस्टम में क्या एक बिरयानी बनता है ना मल्टीपल बिरयानी बनता है? सर मल्टीपल बिरयानी बनता है। अगर मल्टीपल बिरयानी बनता है तो कैसे एक कॉस्ट को एक जो सफा करने वाला क्लीनिंग स्टाफ है उसका खर्चा आप यहां पर ऐड करोगे? दूसरा गैस फ्यूल, क्या एक बिरयानी के लिए ना बनता है ना पूरा हांडी के लिए बनता है? हांडी के लिए बनता है। तो
एक बिरयानी के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, कैन यू आइडेंटिफाई इजीली? आप बोलेंगे सर क्यों नहीं, टोटल जो बिरयानी बना है, टोटल जो मेरा फ्यूल का खर्चा हुआ डिवाइड कर देंगे। क्या ये इजीली हुआ? ना, आप कुछ एस्टीमेशन के ऊपर से काम लिए। एस्टीमेशन के ऊपर मतलब आलू ले लीजिए, बिरयानी में कितना आलू लगा यू कंफर्म दैट सर एक ही जाएगा, तो एक आलू का पोटेटो का जितना खर्चा यू विल एड इट। लेकिन सोच के देखिए कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है, कितना क्लीनिंग स्टाफ का खर्चा हुआ है, कितना डिप्रिसिएशन हुआ है, जहां पर जो मशीन जो बर्तन के ऊपर ये बिरयानी बनता है उसका तो डिप्रिसिएशन होगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसका कितना खर्चा एक बिरयानी में है आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे? नेवर। अगर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा एक्सपेंसेस वेजेस मटेरियल में। लेकिन सर अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। क्या इंप्लाई करता है? कॉस्ट और एक्सपेंडिचर नॉट, आप लोग लिखे थे इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली इजीली नॉट आइडेंटिफाइड। कर सकते हैं मैथमेटिक्स लगा के, बुद्धि लगा के, लॉजिक लगा के, क्यों नहीं कर सकते? इंपॉसिबल बोल के कोई वर्ड होता है जिंदगी में? लेकिन थोड़ा दूसरा तरीके से आपको करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट में यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। 20 बिरयानी जाएगा तो 20 बिरयानी के साथ 20 पोटैटो भी जाएगा, अंडा भी जाएगा, अगर अंडा बिरयानी होता है तो। लेकिन कितना फ्यूल होगा ये आपके लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसा कुछ है जो प्रोडक्ट के साथ कैसे आइडेंटिफाइड होगा ये आपको पता नहीं है, आपको करना पड़ेगा। सर जितना तक मुझे याद है हम लोग जब ये क्वेश्चन किए थे तब तो आप लोग दे देते थे, कहा आइदर में टोटल एलिमेंट वाइज आपको बोल देता था आप ऐड कर दिए, और अदरवाइज हम लोगों ने रिकवरी परसेंटेज आपको बोल दिया रहता था। सोच के देखिए 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, हाँ सर मतलब परसेंटेज मैंने बोल दिया है, उसी परसेंटेज के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया होगा, राइट? मतलब कुछ बेस मैंने कुछ करके आपको दिया है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं था। ठीक है सर, ये था एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। अगर इसको मैं फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन करता क्या होता फंक्शन वाइज का? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ये तीनों, और एक होता है वर्क्स और इट। ये चारों में कोई एक नाम में इसको पुकारा जाता है, मतलब ये जो इनडायरेक्ट मेटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस हुआ है ना, ये किसके रिलेटेड हुआ है? रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका नाम प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है, वर्क्स ओवरहेड हो सकता है। क्वेश्चन में अगर वर्क्स ओवरहेड दिया है तो आप लोग हाय भगवान कहां से हो, ये तो नाम नहीं दिया, गलती से भी मत बोलिएगा, बिकॉज इसके संबंधित मैंने तीन वर्ड, इस चार वर्ड मैंने यहां पर आप लोगों को दे दिए। बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड,
बाउस को और एक भी नाम से जाना जाता है, ऑफिस, और एक भी नाम से जनरल, और एक भी नाम से एस्टैब्लिशमेंट। मतलब ये ऑल क्या है, रिलेटिंग टू आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू योर फैक्ट्री का प्रोडक्शन। सी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एलिमेंट वाइज क्लासिफाई करते हैं तो मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बांटा। वही अगर फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन करता हूं तो प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसके लिए जो जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है उसको क्लब करके एडमिनिस्ट्रेशन आता है, उसको क्लब करके सेलिंग आता है, उसको क्लब करके प्रोडक्शन आता है। तो सर ये तो इजी बात है, सब खर्चा को ऐड करके लगा लेंगे। मुश्किल क्या हुआ है, अगर आपका कॉस्ट का काम होता है पूरा साल के बाद आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के बाद अगर उसका कॉस्ट निकालते हैं तो कोई झंझट नहीं है। क्यों, आपके पास सब कॉस्ट आपके पास आ चुका था और आप ऐड करके बोल देंगे। लेकिन मुश्किल दो जगह में आपका हो गया है। एक, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, इंडियन बिरयानी में सिर्फ बिरयानी नहीं बनता है, चाप बनता है, बिरयानी बनता है, फिरनी बनता है, राइस बनता है, चिली चिकन बनता है, बहुत सारा आइटम बनता है। कुक प्रोबेबली दो ही तीन ही है, मतलब कुकिंग का पार्ट जो होता है एक ही जगह है, बर्तन वर्तन एक ही जगह स्टोर है, ऑफिस स्टाफ भी एक ही जगह है, सबको सर्व करता है, जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में बॉयज वेटर्स है वो भी एक ही जगह है। मतलब चाउमीन चिली चिकन के लिए एक बॉयज, फिरनी के लिए एक, बिरयानी के लिए सर्व करने के लिए, ऐसा तो नहीं होता है। जितना कस्टमर आता है ओपनली दे आर सर्विंग। तो ये सिचुएशन में आपके लिए एक मजे का बात होता है, आपको आइडेंटिफाई करके आपको एलोकेट करना पड़ेगा। मतलब पहला काम होगा ओवरहेड के बारे में कॉन्सेप्शन क्लियर करना। तो मैंने आपको बोल दिया ओवरहेड बेसिकली टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट है। नाउ किसका फंक्शन वाइज वो क्लासिफिकेशन में देखिएगा कहां का ओवरहेड है, प्रोडक्शन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। जहां का बोलेगा वहां का करेंगे। आप लोगों का अगर सिलेबस देखिएगा तो मैक्स 99.99% टाइम आपको सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। नाउ सवाल जो बात कर रहा था, क्यों हम लोग ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द ओवरहेड, बिकॉज मुझे नेक्स्ट ईयर में एस्टिमेट करना है। तो नेक्स्ट ईयर अगर प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट का कोट करना है, प्राइस मार्केट को डिटरमिन करना है, तो मेरे पास तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों का खर्चा तो मेरे पास आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये समझ के लीजिए उसको बनाने के लिए सिर्फ तो डायरेक्ट मटेरियल नहीं लगता है, उसको बनाने के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड भी लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी लगता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी लगता है। तो ये तीनों का आइटम कैसे आइडेंटिफाइड होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करके बोलेंगे। मान लीजिए लास्ट ईयर का पूरा डेटा आपके पास आ चुका है, आपने कैलकुलेट करके रखा है। मैं उन दौरान आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पर मैं बोल रहा हूं, मेरा सवाल है एक आइटम बनाने के लिए टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल रुपीज 1000, डायरेक्ट वेजेस रुपीज 2000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रुपीज 500। क्या आप बोल सकते हैं आपका प्रोडक्ट का प्राइस होगा 3500? गलत।
ये प्रोडक्ट या तीन ऐड करने से होता है ना, ये प्रोडक्ट को तो बनाना पड़ता है, वो प्रोडक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी है, प्रोडक्ट को तो डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, मतलब ये प्रोडक्ट को प्रोडक्शन थ्रू पास करना पड़ेगा, उसके भीतर एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा काम को देखता है उसका खर्चा ऐड होगा, ये ऐड होगा कितना, इसमें प्रोडक्शन भी आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, आप लोग कॉस्टशीट किए थे आप लोग जानते हैं, प्लस सेलिंग भी आएगा, क्या क्या आएगा, प्रोडक्शन भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, सेलिंग भी आएगा। मुझे आप लोग कृपया करके ये बताइए, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था बिकॉज डायरेक्ट था, इसका प्राइस कैसे कोट करूंगा, एक्चुअली ये टोटल करने के बाद ही आएगा मेरा टोटल कॉस्ट। आप बोलेंगे सर ये तो मिल गया, हाँ एक आप तो जानते हैं कितना रॉ मटेरियल लगेगा, वेजेस लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ है, मतलब जिग्स मोल्ड्स डाइस अगर वो बनाने के लिए कुछ स्पेशल डिजाइन लगता है तो वो तो मटेरियल नहीं है, वेजेस भी नहीं है, मतलब खर्चा है, तो वो खर्चा डायरेक्टली अगर आइडेंटिफाइड है तो इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ सवाल है, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल का नॉलेज है, डायरेक्ट वेजेस का नॉलेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के 3500 हो गया, ये तीनों आइटम क्या छोड़ देंगे आप, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये भी तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी तो इसमें आएगा, वो प्रोडक्ट क्या बनाने के बाद फेंक देंगे, उसको तो पैक करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑफ कस्टमर के जगह में डिलीवरी देना पड़ेगा, तो ये सब काम के लिए तो खर्चा होता है, कितना खर्चा, लॉरी में सिर्फ एक ही माल तो नहीं जाएगा, लॉरी में बहुत सारा माल जाता है, उसमें उसका एक पार्ट है, मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना पड़ेगा ये कैसे एलोकेट होगा, मतलब आपका ढूंढने वाला सवाल ये है, हाउ ये कैसे आएगा। आप बोलेंगे रिकवरी रेट, वो तो मैंने कॉन्सेप्शन आपको पहले समझा दिया था, इसलिए आप आराम से बोल रहे हैं रिकवरी रेट, लेकिन रिकवरी रेट ना एब्जॉर्प्शन रेट, पावर रेट ना 60% 40% एब्जॉर्प्शन रेट, वो तो पता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा, लेकिन ये तो कंफर्म है मुझे निकालना पड़ेगा जो दिया नहीं है, ये तीनों दिया रहता है, बिकॉज ये कैलकुलेट हो सकता है, नेचर देख के हम लोग प्रोडक्ट का बता सकते हैं उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा। मान लीजिए एक बुक सेल्फ बनाने के लिए कितना प्लाईवुड लगेगा, यू कैन एस्टिमेट, कितना दिन का लेबर लगेगा, यो भी एस्टिमेट, जो आर्किटेक्ट सिर्फ डिजाइन बना के लेके आएंगे, अच्छा बुक सेल सर को गिफ्ट करेंगे इसलिए, तो आर्किटेक्ट से इंटीरियर डिजाइनर से अच्छा तरीके से उसको ड्रॉ करके लेके भी आए, तो तीन खर्चा आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, लेकिन जिस फैक्ट्री में जिस वर्कशॉप में उसको बनेगा उसमें कितना प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड होगा, कितना एडमिनिस्ट्रेशन ऐड होगा, कितना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो इंफॉर्मेशन कहां से आएगा, मतलब मैं कौन सा जगह में लेके जा रहा हूं, ये ओवरहेड चैप्टर में मैं आप लोगों को तो एलिमेंट फंक्शन वही समझा दिया, अब मेरा काम होगा ये सब का तीन क्वेश्चन मार्क ए बी सी को निकालिए सर, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट अंडर दिस सब्जेक्ट चैप्टर, मेरा ये चैप्टर में दोनों ही काम है, मैं लिखता हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, तो ये था कॉन्सेप्शन, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर, सिंपली दो कैलकुलेशन बाय डिटर्मिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट और कॉस्ट रिकवरी, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव तो कॉस्ट को रिकवर करना है, तो कॉस्ट रिकवरी रेट दो मैं लिख रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर सवाल मत करना, क्यों, टाइम होगा, जब टाइम आएगा मैं खुद उसको छेड़ूंगा आपके सामने, दैट इज अंडर और
ascertain the under stroke over. आप जानते ही है आप क्या एक्चुअल में काम नहीं कर रहे, एस्टिमेटेड फिगर में कुछ निकालेंगे रेट, ये तो सब एस्टिमेटेड है। ऑप्शन रेट क्या रियल फिगर है ना एस्टिमेटेड फिगर है? एस्टिमेटेड फिगर है। अगर ये फिगर एस्टिमेट है तो नेचुरल सी बात है एक्चुअल के साथ एस्टिमेट डिफरेंस तो करेंगे ही। पहले सोचे थे 15 दिन, उसके बाद हो गया 1 महीना, आज सुन रहे हैं और भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है। मतलब ये एक्सटेंशन आपका एस्टिमेट और एक्चुअल में ऑलवेज अंतर है। असर्टेन द अंडर स्ट्रोक ओवर एस्टिमेशन एंड ट्रीटमेंट। तो दो ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट, रिकवरी रेट, दूसरा अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन, और तीन बोल सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। हाउ? अरे भाई मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये तीनों का फिगर मैं अगर कैलकुलेट कर लेता तो मेरे लिए क्या इजी हो जाएगा, आराम से मैं टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट का परसेंटेज अगर नोन है तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। मतलब ये चैप्टर में हम इतना ही सीखेंगे। यस बाबा क्या स्पेलिंग लिखा है, तो हम लोग अभी तक कितना नॉलेज हम लोगों को एक्वायर हुआ है, एक ओवरहेड का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या एलिमेंट रहता है, ओवरहेड कितना, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस कारण के लिए कौन कौन सा फंक्शन, ये तीन खर्चा करने से होता है, तीन फंक्शन प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, तो ये तीन फंक्शन सर्व करने के लिए, तीन फंक्शन के लिए इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन वेजेस, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये फंक्शन करने के लिए इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मटेरियल, इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेजेस, इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। आप जो स्टेशनरी खरीदते हैं, पेजेस खरीदते हैं, ऑफिस के लिए स्टेपलर खरीदते हैं, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल्स। आपका जो बाबू लोग काम करते हैं ऑफिस में, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट वेजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या है, वहां का जो एसेट है उसका जो डिप्रिसिएशन है, लाइटिंग है उसका जो बिल है, ये सब इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सिमिलर तरीके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसका भी इनडायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल, इनडायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस, इनडायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस, तो ओवरहेड मतलब ये मत समझिएगा, मैंने बहुत जगह देखा है बोलने के लिए ओवरहेड मतलब सिर्फ एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई नहीं करता है, ओवरहेड का मतलब ये एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंसेस के साथ वो आइडेंटिफाई करता है मटेरियल को, वेजेस को, एक्सपेंसेस, माने तीनों का समिशन ही होता है आपका ओवरहेड। ओवरहेड चैप्टर क्यों स्टडी करेंगे, मतलब मेरे पास अगर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इजीली है, मेरे पास इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को मुझे रिट्रीव करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज सो दैट वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द करेंट ईयर, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेंट ईयर, लास्ट ईयर का डेटा का बेसिस से। इस ईयर तो कंप्लीट नहीं हुआ, आपको कैसे पता चलेगा इस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, और इस ईयर में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, आप रेंट बोल सकते हैं, डिप्रिसिएशन बोल सकते हैं, बट इज इट पॉसिबल कितना सुपरवाइजर सैलरी लगेगा, कितना इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा, कितना इनडायरेक्ट लेबर लगेगा, यू कैन कैलकुलेट नेवर टिल द कंप्लीशन ऑफ द ईयर। लेकिन आपको तो प्रोडक्शन करना भी है, बेचना भी है, आपको नहीं बोल सकते भाई एक साल वेट कर लेते हैं, पूरा खर्चा हो जाएगा उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, हो गया खत्म बिजनेस, नहीं, तो आपको एस्टिमेट के बेसिस में करना पड़ेगा। तो एस्टिमेट आएगा कहां से, लास्ट ईयर का डेटा, मतलब आपका पहला काम होगा रिकवरी रेट कैलकुलेट करना। क्यों ये रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हो, टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव नंबर 3, टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। 3 करने के बाद हम लोग 2 आएंगे, सिंस इट इज अ एस्टिमेटेड फिगर, तो जाहिर सी बात है अंडर एंड ओवर अब्सॉर्प्शन ऑफ
ओवरहेड होगा ही होगा, ठीक है। तो हम इस पैटर्न से फॉलो करेंगे। अब आते हैं कैसे ये डेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे ये एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मैं इससे पहले बार पहले जब पढ़ाता था एक स्टाइल में, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, जिसके बाद देखते हैं क्या सा स्टाइल फॉलो करते हैं, मजा क्या होगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं। दिमाग में रखेंगे मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकवरी रेट कैलकुलेट करना। तो पहले देखेंगे व्हाट इज अ रिकवरी रेट, उसके बाद उसको फॉलो करने के लिए डिफरेंस ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट, डिटरमिनेशन और कैलकुलेशन of absorption or recovery rate. क्या होता है ये एब्जॉर्प्शन और रिकवरी रेट, होता क्या है, ये प्रोसेस है ऑफ एब्जॉर्बिंग और recovering the total of indirect cost मतलब summation of indirect material plus indirect wages plus indirect expenses. To the product to the products produced or services rendered. ये क्या प्रोसेस है, एब्जॉर्बिंग और रिकवरिंग द टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, कहां पर, टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड यूजिंग अ बेस, किसी को बेस मान के ये खर्चा रिकवर करना पड़ेगा।
तो डेफिनेशन देख के इसका कैलकुलेशन याद हम लोग अज्यूम कर सकते हैं. देयरफॉर रिकवरी रेट बाय अब्सॉर्प्शन रेट इक्वल टू टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेस. ये बेस क्या हो सकता है? बेस इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर, प्रोडक्शन आवर्स, एक्सेट्रा. बहुत सारे कुछ बेस हो सकता है. मतलब मेरा फर्स्ट काम होगा ये दो निकालने के लिए. तो मेरा स्टेप, देयरफॉर स्टेप्स नंबर वन, कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड ब्रैकेट में जनरली फंक्शन वाइज. इसका मतलब क्या है सर? आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. मतलब विल आई टेक द एंटायर इनडायरेक्ट मटेरियल इन दैट टोटल ओवरहेड? नो, आई हैव रिटन दैट कैलकुलेशन ऑफ द टोटल ओवरहेड जनरली फंक्शन वाइज. हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन वाइज को कैलकुलेट करेंगे. मतलब प्रोडक्शन के लिए अलग, सेलिंग के लिए अलग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग. ये करने के लिए हम लोगों को तीन तरीके का काम करना पड़ता है. एलोकेशन सब सीखेंगे, डोंट वरी, ऑफ ओवरहेड apportion allocation of overhead apportion reapportion of overhead. सब तीनों सीखेंगे. टू, identification of base. हम लोग जो रिकवरी करेंगे उसका बेस क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस ऑफ रिकवरी. ये मशीन आवर हो सकता है, प्रोडक्शन आवर हो सकता है, लेबर आवर हो सकता है, डायरेक्ट वेजेस हो सकता है, प्राइम कॉस्ट हो सकता है, वर्क कॉस्ट हो सकता है, गुड्स प्रोड्यूस्ड हो सकता है, एनीथिंग, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉर्मली
वर्क कॉस्ट के ऊपर, नॉर्मली प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब डिपेंड करेगा सिचुएशन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस फॉर रिकवरी एंड कैलकुलेट द टोटल बेस. आपने तो निकाल लिया मशीन आवर से कैलकुलेट होगा, लेकिन आपको तो मशीन नंबर ऑफ टोटल मशीन आवर भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो भी आपको करना पड़ेगा. मतलब ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा. तो हम लोग देखते हैं कैसे धीरे धीरे हम इस मैटर के ऊपर काम करते हैं. तो वी आर टॉकिंग वन, और वन के ऊपर ही बात चल रहा है तो उसके ऊपर ही काम चलेगा. अगर ऑप्शन मिलता है तो हम तीन ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे. एक प्रॉब्लम मैटर को हैंडल करेगा. एग्जाम्पल इलास्ट्रेशन. आप जानते हैं आपको रिकवरी रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो रिकवरी रेट कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आपका लास्ट ईयर का बेस लगेगा, बिकॉज उसी को बेसिस के बना के आप करंट ईयर में एस्टिमेट करेंगे. तो लास्ट ईयर डेटा क्या दिया है, फैक्ट्री रेंट जहां पर आपका काम होता है, दस हजार, फैक्ट्री लाइट 5000, डेप्रिसिएशन 19 expenses, supervisor expenses, indirect material, ये लास्ट ईयर का डेटा. प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स, प्रोडक्शन आवर 5 hours per unit, that is a last year data. Last year आपने इतना फैक्ट, ये function wise करेंगे तो किस related है, ये हम लोग function wise करेंगे, ये production related information है. Production, factory, जो आप बोलना चाहते हैं English में, related information, works overhead related information. क्या दे दिया है, production 2000, प्रोडक्शन आवर 5 hours. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. देख लीजिए, दो काम, कैलकुलेट रिकवरी रेट B, calculate the total cost per unit. If material rupees 500, wages
रुपीज 300 प्लस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ये है प्रॉब्लम का, छोटा एक प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर, अच्छी तरह से देखिए। सिंस ये बड़ा चैप्टर, मुझे टेक्निकली बहुत सारा जगह कवर करना है, तो मैं धीरे धीरे विद एग्जांपल आपके साथ जाऊंगा, हड़बड़ी का कोई जगह नहीं है। लास्ट ईयर का डेटा दिया है, जहां पर मैंने स्टार्ट किया था फैक्ट्री रेंट 10,000, ये लास्ट ईयर का डेटा है। ओके, फैक्ट्री लाइट 5,000, डेप्रिसिएशन 20,000, कैंटीन एक्सपेंसेस 1,000, सुपरवाइजर एक्सपेंसेस 2,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 5,000, दे आर एंटायरली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और फैक्ट्री। प्रोडक्शन यूनिट्स इज 2,000 यूनिट्स एंड प्रोडक्शन आवर इज 5 आवर्स पर यूनिट। आपको बोल रहा है निकरन नेक्स्ट ईयर में व्हाट इज द रिकवरी रेट पर आवर। ओके, और आपको निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट जो बनाने के लिए मटेरियल एंड वेजेस डायरेक्ट 500-300, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट ये बोल दिया है, और आवर्स रिक्वायर्ड 12 आवर्स, मतलब वो बनाने के लिए आपको 12 नहीं ज्यादा हो गया 6 आवर्स। तो देखिए रिकवरी रेट करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव करना है टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस निकालना। लेकिन ये करूंगा कैसे, मेरे पास तो डेटा में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया है। अच्छा राहुल सवाल करेगा मटेरियल वेजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑलवेज डायरेक्ट। यहां पर एक चीज बनाने के लिए उसका मटेरियल वेजेस बोल रहे हैं, मतलब इंप्लाइड इट इज टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। फाइन, ये अगर हो जाता है, मेरा सवाल है इसका टोटल कॉस्ट कितना है, ये तो मैंने नहीं बताया आपको। आपके तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस मिल जाएगा, लेकिन कितना प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज करेंगे ये आपको कैसे पता होगा। आप लोग बहुत लोग मैं जानता हूं दिमाग लगा रहे हैं कॉस्ट शीट में कैसे किए थे। एग्जैक्टली यू आर राइट, तब मैंने ऑफिशियली फॉर्मली ये चैप्टर नहीं कराया था, उसका थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन हर जहां जहां लगेगा हम लोग प्रॉब्लम में ऐड करते गए, उसी का नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके हम लोग यहां पर काम करेंगे। तो देखते हैं सर रिकवरी रेट निकालते हैं कैसे रिकवरी रेट आता है, हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट काम क्या होगा, स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ द टोटल ओवरहेड। फाइन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस, एंड थर्ड मैंने नहीं लिखा कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट। ये स्टेप्स किसके लिए है, टोटल ओवरहेड बेस आइडेंटिफाई करके टोटल बेस निकालो और रिकवरी रेट कैलकुलेट करो। तो आते हैं स्टेप वन की तरह जाएंगे। स्टेप वन, टोटल ओवरहेड, ये मैंने प्रोडक्शन रिलेटेड दिया है तो नेचुरली प्रोडक्शन के ही बात होगा। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट, डेप्रिसिएशन, थोड़ा लाइट कम है लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेंगे मैं जानता हूं। डेप्रिसिएशन 20,000,
आप लोग मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। कैंटीन एक्सपेंसेस, सुपरविजन एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, टोटल। स्टेप टू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, बिकॉज रिकवरी रेट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला तो टोटल ओवरहेड बाय बेस है, लेकिन बेस का तो इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दिया, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या बेस होगा, प्राइम कॉस्ट बेस होगा ना और एनीथिंग अदर कुछ बेस होगा। तो देखते हैं, पहले बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस किसके ऊपर हम लोग, आपको तो अल्टीमेट रिकवरी रेट कैलकुलेट करने से मतलब है, तो रिकवरी रेट किसके बेसिस में कैलकुलेट करेंगे, किसको बेस मान के चलेंगे, जिसके बेसिस में आप कॉस्ट प्रोडक्ट में सर्विस में अब्सॉर्ब करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस इज यहां पर मान लेते हैं प्रोडक्शन आवर, लेबर आवर भी हो सकता है, डायरेक्ट वेजेस हो सकता है, प्राइम कॉस्ट हो सकता है, वर्क कॉस्ट हो सकता है, एनीथिंग। यूनिट्स होता है प्रोडक्शन आवर्स, टोटल बेस। देखिए जैसे मैंने लिखा है कि उसी पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, कितना लास्ट ईयर का बेसिस, तो लास्ट ईयर का ही प्रोडक्शन लेंगे, 2000 यूनिट्स इंटू 5 आवर्स प्रति यूनिट, दैट इज 10,000 आवर्स। आप लोग समझ ही चुके हैं मैं क्या करने वाला हूं। स्टेप 3 क्या, रिकवरी रेट का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल ओवरहेड होल डिवाइडेड बाय रिकवरी बेस। टोटल ओवरहेड 43,000, रिकवरी बेस 10,000, तो मेरा नॉलेज बोल रहा है रुपीज 4.3 पर यूनिट्स पर आवर। मतलब आप लोग प्रोडक्शन में अगर एक आवर काम होता है तो उसके लिए आप ऑन एन एवरेज रिकवरी रेट चार्ज करेंगे, रिकवरी रेट किसका, रिकवरी रेट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन वेजेस, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये तीनों का रिकवरी रेट आपने बनाया है एक साथ पंच करके रुपीज 4.3 पर आवर। तो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर 6 घंटा काम होता है तो कितना इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर वेजेस आप रिकवर करेंगे, 4.3 पर आवर। कितना घंटा काम हुआ है, 10 घंटा है तो इंटू 10, 6 घंटा हुआ तो इंटू 6, 5 घंटा हुआ है तो इंटू 5। तो रिकवरी रेट आपका फर्स्ट काम है, रिकवरी रेट। आपको याद है मैंने यहां पर एक लिखा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000, 1,500, उसके बाद सब क्वेश्चन मार्क दिया था, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मतलब मुझे पता नहीं था। सिमिलरली इस प्रॉब्लम में भी देखिए, वेजेस एंड मटेरियल दे दिया है लेकिन रिकवरी रेट नहीं दिया है, वही मैंने कैलकुलेट किया, वही आप अप्लाई करेंगे। ठीक इस टाइम चाप के दिमाग में कुछ आ रहा है, देखते देखते, सर मेरा सवाल में एक चीज नहीं क्लियर हो रहा है। क्या बेटा? सर यहां पर तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, नेसेसरी है हर आइटम के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिजाइनिंग होगा ही ना,
बिरयानी बनाने के लिए कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लगता है। मतलब हर जगह में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा ही, ऐसा कोई मैटर नहीं है। स्टेप फोर, अच्छा ये स्टेप फोर नहीं होगा, पहला तो फर्स्ट था स्टेप वन रिकवरी रेट कैलकुलेट करना, दो क्वेश्चन था, सॉल्यूशन वन था रिकवरी रेट कैलकुलेट करना, बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, मेटीरियल वेजेस एट हंड्रेड प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, सर नहीं दिया था, जानता हूं नहीं दिया है, इसलिए तो मैंने रिकवरी रेट कैलकुलेट किया 4.3 पर आवर। मतलब उस कंपनी ने एक घंटा प्रोडक्शन के लिए उसका ऑन एन एवरेज खर्चा पड़ता है, ऑन एन एवरेज, ये वर्ड याद रखना जिंदगी भर, 4.3। अगर आप सर्टेन है तो डिफरेंस क्यों आएगा, आपके लिए डाउट है इसलिए ऑन एन एवरेज, आपका ये एस्टिमेटेड फिगर है तो 4.3, ऑन एन एवरेज आपका 4.3 होता है, तो रुपीज 4.3 इंटू कितना आवर, 6 आवर्स, 24 कितना हुआ, दैट इज टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप जानते हैं 20% of total cost, ₹825.8 into 165.2 991 approx। याद करके देखिए, अगर मैं ये रिकवरी रेट ही कैलकुलेट नहीं करता तो मेरे पास ये फिगर आता कैसे, तो मेरे पास ये फिगर आने के लिए रिकवरी रेट कैलकुलेट करना जरूरी था। तो रिकवरी रेट मेरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, याद करो मैंने इस जगह में ऑब्जेक्टिव लिखा था 3 ऑब्जेक्ट, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव तो कवर कर लिया, दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव अभी पॉसिबल नहीं है, उसको बाद में कवर करेंगे हम लोग, बिकॉज वो कवर करने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए और जो अभी इस मोमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो रिकवरी रेट कैलकुलेट करना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दूसरा का लास्ट ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा था, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैलकुलेट, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो, सेलिंग प्राइस डन। ये प्रॉब्लम आप देखेंगे, ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, किसको कहते हैं सर सिंपल, किसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोडक्शन का स्ट्रेटेजी है, ये प्रोडक्शन और ऑपरेशन का जो काम है, ये प्रोडक्शन हाउस में सिर्फ एक ही जगह प्रोडक्शन का काम होता है। मतलब क्या एक ही फैक्ट्री बोल रहे हैं ना, फैक्ट्री में भी काम हो रहा है लेकिन एक ही पैटर्न का काम होता है, पूरा काम ही एक जगह होता है, डिपार्टमेंट वाइज भाग काम नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज सिर्फ बिरयानी का ही बात में सोचिए, एक डिपार्टमेंट कटिंग करता है, एक डिपार्टमेंट मसाला बनाता है, एक डिपार्टमेंट कटिंग क्लीनिंग करके पूरा मटेरियल आपके पास रेडी करता है, एक डिपार्टमेंट कटिंग करके एक डिपार्टमेंट पूरा मसाला बना के आपके सामने देता है, एक डिपार्टमेंट आपको प्रिपेयर करता है, कुक करता है, तो हो गया ना 3 काम। तो 3 काम के लिए 3 अलग अलग डिपार्टमेंट, काम एक ही है, एक ही फैक्ट्री में हो रहा है, कोई अलग नहीं है। मतलब फैक्ट्री का अगर छवि देखोगे तो
फैक्ट्री। वाह फैक्ट्री। यहां पर तीन काम कर रहा है, कटिंग क्लीनिंग, यहां पर मसाला ग्राइंडिंग, यहां पर कुकिंग। तो यहां पर हो रहा है कटिंग, यहां पर हो रहा है मसाला मेकिंग, यहां पर हो रहा है कुकिंग। तो कटिंग का काम एक जगह, मसाला का काम एक जगह, कुकिंग का काम एक जगह। सर आप बोलेंगे सर इसमें क्या अल्टीमेटली तो बिरयानी बनता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखो बेटा बिरयानी बना, अगर सिर्फ बिरयानी बनाते हो तो ये इशू का नौबत नहीं आता है, जो भी खर्चा है तो सर बिरयानी नहीं तो ऐड होगा। लेकिन सोच के देखो आप डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब बिरयानी भी बनाते हैं, फिरनी भी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, आप रोल भी बनाते हैं, क्या सब बंद है, कोई खाना नहीं दे रहा है? सब जानता हूं बिरयानी कितना महीना हो गया मैंने नहीं खाया है। तो तीन चीज आपको बनाना है, आप लोगों के पास जिसका आइडिया है, लेबर ओवरहेड टाइम रिक्वायर फॉर मेकिंग बिरयानी एंड ओवरहेड मसाला एंड एक्सेट्रा बनाने के फॉर रोल क्या सेम है? फॉर फिरनी सेम है? रोल बनाने के लिए जितना परिश्रम होता है, बिरयानी बनाने के लिए जितना परिश्रम होता है, फिरनी और खीर बनाने के लिए जितना परिश्रम होता है, क्या सब सेम ही है? ना बिरयानी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, खीर बनाने के लिए थोड़ा कम टाइम लगता है, उबालना पड़ता है उसको, दूध को खीर में ट्रांसफर करना पड़ता है, और रोल वो तो और भी जल्दी बन जाता है, रोल मैगी चाउमीन ये फास्ट फूड है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो तीनों बनाने के लिए क्या सेम ही टाइम कंज्यूम होता है? ना सर, अलग अलग अलग। अगर अलग अलग है तो मुझे बोलिए जो वर्कशॉप में ये सब काम हो रहा है उस वर्कशॉप में प्रोबेबली सबसे ज्यादा काम कहां पर होगा? उस वर्कशॉप में ज्यादा खर्चा जो होना है वो बिरयानी के लिए होना है, ज्यादा खर्चा जो होना उसके बाद खर्चा खीर के लिए होना है, और उसके बाद खर्चा आपका रोल के लिए होगा। ठीक है सर, नंबर ऑफ आवर देख लीजिए, उसके ऊपर डिवाइड कर दीजिए। नहीं, दूसरा चीज देखिए, खीर बनाने के लिए कोई मसाला लगता है, क्लीनिंग का काम लगता है ना? तो सोच के देखिए, क्लीनिंग डिपार्टमेंट का खर्चा में मेकिंग डिपार्टमेंट का खर्चा क्यों खीर में जाएगा? तो इससे क्या होगा, खीर का खर्चा बढ़ जाएगा और दूसरे का खर्चा कम हो जाएगा। तो क्लीनिंग का काम खीर बनाने के क्या क्लीन करते हो, क्लीनिंग का काम मसाला का काम उसमें नहीं लगता, लेकिन हाँ कुकिंग का टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो नेचुरली उसमें कुकिंग के लिए जितना ओवरहेड है वही डालना चाहिए रदर देन मसाला और मसाला ऑन क्लीनिंग। लेकिन आप अगर तीनों को एक ही रेट में डाल देते हो तो खीर बनाने के लिए भी आपको सेम सब खर्चा ऐड हो रहा है। बिकॉज अगर आप मान लीजिए तीनों का काम मिला के 43,000 है, तो एक खीर बनाने के लिए मान लेते हैं 10 घंटा लगता है, चलिए 6 आवर्स लगता है, तो एक एक आवर का खर्चा हमने सब खर्चा पे ऐड कर दिया, 4.3 कर लिया। तो खीर बनाने के लिए आपने ओवरहेड का खर्चा दिखा दिया कितना, खीर बनाने के लिए ओवरहेड का खर्चा दिखा रहे 25.8। आप सोच के देखिए तो सरासर गलत है, बिकॉज यहां पर सब खर्चा नहीं लगता है, कुछ कुछ खर्चा लगता है, कुकिंग का काम होता है यहां यहां नहीं। मतलब अगर मेरा मल्टीपल प्रोडक्ट है, अगर मेरा मल्टीपल प्रोडक्ट में काम चल रहा है, तो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा एक चीज, हर प्रोडक्ट सेम तरीके का बेनिफिट हर डिवीजन से नहीं लेता है। मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है मैंने यहां पर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिखाया है जो पूरा काम करता है, हो सकता है आपको सपोर्ट देने के लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मतलब आपको कुकिंग डिपार्टमेंट है, आपको क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, और आपका मसाला मेकिंग डिपार्टमेंट है। तो आपको, आप क्या करना पड़ेगा,
यहां पर मैं जो रेट निकाल रहा था सिंगल रेट 4.3, अब हम लोग सीखेंगे कैसे मल्टीपल रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मल्टीपल रेट मतलब यस, अब हम लोग देखेंगे कैसे मल्टीपल रेट आता है, मतलब क्लीनिंग के लिए एक, मसाला अलग के लिए एक, एंड कुकिंग के लिए एक। तो क्लीनिंग के लिए एक रेट, मसाला मेकिंग के लिए एक रेट, कुकिंग के लिए एक रेट। आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे सिंगल रेट कर सकते हैं और आप मल्टीपल रेट कर सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए, सिंगल रेट करना वेरी ग्रॉस अप्रोक्सीमेशन, वो कब ठीक है? अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है, सिर्फ बिरयानी बनाते हैं, सर जो भी करते हैं तो एक ही में जाएगा। लेकिन अगर आपका तीन डिपार्टमेंट है, तीन आइसोलेट प्रोडक्ट आप बनाते हैं, सॉरी तीन चार प्रकार आइसोलेट प्रोडक्ट बनाते हैं, और चार प्रोडक्ट बनाने के लिए तीन डिपार्टमेंट का अगर आपको सर्विस लेना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आपको तीन डिपार्टमेंट का खर्चा ही अलग 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 करके ओवरहेड ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहां पर जैसे मैंने 4.3 डायरेक्टली लिख दिया, अब हम लोग को देखना पड़ेगा नहीं ये 6 घंटा क्यों काम हुआ। हो सकता है 6 घंटा में 3 घंटा टू अपॉइंट हो सकता है 2 आवर काम हुआ है कुकिंग में, हो सकता है 2 आवर काम हुआ है मसाला मेकिंग में, और 1 आवर काम हुआ है कटिंग में। मतलब तीनों का अलग अलग रेट। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल रेट। ये तो वेरी इजी है, सिंगल रेट निकाल दिया, आप लोग कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल रेट की। यहां तक होपफुली आपका समझ में आ चुका है। अब हम लोग मल्टीपल रेट के ऊपर काम करेंगे। मतलब जो अभी तक किए हैं वो क्या रेट था? सिंगल रेट था। देखते हैं मल्टीपल रेट में क्या होगा। ये रिकवरी रेट स्टेप 3 में जो निकालेंगे वो तीन प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का, सिंगल रेट मतलब पूरा फैक्ट्री का ही एक रेट, पर आवर कितना, पर मशीन आवर कितना, पर लेबर आवर कितना, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में कितना, और मल्टीपल रेट। सिंगल रेट मतलब फैक्ट्री वाइज, यहां पर डिवीजन वाइज। डिवीजन मतलब हो ही सकता है आपका तीन है, कटिंग मसाला मेकिंग एंड कुकिंग। आपका हो सकता है इंडस्ट्री सेक्टर में कटिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक पॉलिशिंग फिनिशिंग। तो तीन डिपार्टमेंट काम किए, दो डिपार्टमेंट काम किया, एक कटिंग और एक पेस्टिंग, तो दो डिपार्टमेंट का रेट होगा। तो सिंगल रेट काम में सवाल में कम आता है, मल्टीपल रेट सवाल में ज्यादा आता है। एक्चुअली सिंगल रेट में कुछ सीखने का कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, टोटल ऐड किया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। आपको जो सीखना पड़ेगा कॉमर्स स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट को, बीकॉम लेवल में आपको मल्टीपल रेट सीखना पड़ेगा। सर मल्टीपल रेट कैसे निकालने के लिए, मतलब फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, टोटल ओवरहेड यस, बेस यस, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट यस। तो आपको सीखना पड़ेगा मल्टीपल रेट एनवायरमेंट में, रेट के एनवायरमेंट में हम लोग कैसे काम करेंगे। एक एग्जाम्पल आई थिंक बहुत हद तक क्लियर करेगा।
मैं अब आप लोगों को सिंगल रेट मल्टीपल रेट के ऊपर काम कराऊंगा। मैंने एक प्रॉब्लम सेट किया है ऑलरेडी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा है, आप बोर्ड में देखिए इलस्ट्रेशन रखा है, आप वो प्रॉब्लम को पहले अच्छी तरह से देखिएगा, उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, ये जो मल्टीपल रेट है मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट, यहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट मतलब मल्टीपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट देने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट भी हो सकता है। हम लोग स्टेज वन स्टेज टू करके करते करते उसका लेवल एडवांस लेवल लेके जाएंगे। तो पहले इलस्ट्रेशन को देखिए, वहां पर मैंने क्या किया है, कंपनी का दो डिपार्टमेंट है पी वन एंड पी टू। पी वन क्या करता है, कटिंग का काम करता है, और पी टू फिनिशिंग का काम करता है। लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर डिटेल्स भी दे दिया है, पावर 18,000, डेप्रिसिएशन 10,000, रेंट 15,000, सन्ड्रीज मतलब जनरल एक्सपेंसेस 9,000, कैंटीन एक्सपेंसेस 4,000, इलेक्ट्रिसिटी 16,000। अदर इंफॉर्मेशन में मैंने क्या दिया आपको, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, हॉर्स पावर ऑफ द मशीन, वैल्यू ऑफ द मशीन, फ्लोर एरिया, प्रोडक्शन आवर मैंने दे दिया है। अब अगर सिंगल डिपार्टमेंट रहता तो आपके लिए कोई मैटर ही नहीं था, आप सब एक्सपेंसेस ऐड करके प्रोडक्शन आवर 1000 प्लस 2000 मतलब 3000 से डिवाइड करके आप आंसर बोल सकते थे। लेकिन इशू दूसरा है, यहां पर मैंने सब दो डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। क्यों सर जरूरत है, जरूरत है बेटा, आप लोग नीचे देखिए, मैंने आपका एक प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस तो बोल दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में नहीं बोला, लेकिन ये मैंने ऑब्वियसली बोल दिया है क्या, कटिंग डिपार्टमेंट 5 आवर लेगा और पेस्टिंग डिपार्टमेंट मतलब फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग 10 आवर लेगा, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ उसके बेसिस में हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप लोग कॉपी कर लीजिए, देन मैं फोकस वहां पर ही रखूंगा। मैं आप आराम से ये मोच सकता हूं, लेकिन मैं कुछ जगह आपको बोलूंगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एवरेट मैंने 3 आइटम लिखा था, एलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन। एलोकेशन का मतलब है अगर आप कौन सा डिपार्टमेंट का खर्चा है अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आपने यू कैन आइडेंटिफाई द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर विच डिपार्टमेंट एलोकेट, तो वहां पर ही आप क्या करेंगे उसको एलोकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अपोर्शन मतलब यू कैनॉट आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट वेजेस, जिसका कॉम्बिनेशन नाम होता है ओवरहेड, इनकर्ड फॉर विच पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, आइदर पी वन और पी टू। इस इंफॉर्मेशन में आप देखिए, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल यू कैन आइडेंटिफाई इट इज फॉर पी वन 2000 एंड पी टू 3000, एंड फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल पी वन इज 5000 एंड पी टू इज 2000, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू से हाउ मच पावर इज अलोकेटेड बिटवीन द कटिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, हाउ मच डेप्रिसिएशन इज अप्लीकेबल फॉर कटिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, हाउ मच रेंट इज एसोसिएटेड विद P1 and P2, cutting department and finishing department. Sundries आपको पता नहीं है तो कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने मिस किया है, that is number of employees. तो ये दोनों करने के लिए आपके लिए कोई सवाल नहीं होगा, ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि सबको तो पता ही है, जैसे ही पता है किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, यू गो फॉर दैट एलोकेट। मतलब पिताजी अगर बोल जाते हैं किसका 3 बेटे में किसका कितना है, एक बिल्डिंग का किसका कितना, कौन सा फ्लोर है, तो क्लियर हो गया। पैसा है बोल दिया है, इसको 4 लाख, इसको 3 लाख और इसको 3 लाख, तो यू कैन आइडेंटिफाई किसको कितना देना है। लेकिन जो आइटम आपको बोला नहीं गया है, ज्वेलरी, तो कौन सा बेसिस में होगा,
देन कोई बेसिस आपको निकालना पड़ेगा. मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपोर्शनमेंट. अपोर्शनमेंट कब आता है? अगर एक्सपेंसेस किस डिपार्टमेंट का है आपको पता नहीं है, वो एलोकेट कर अपोर्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको जो तरीका अप्लाई करना पड़ता है वो एलोकेशन नहीं है, वो मेथड क्या है? अपोर्शन. आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर यू कैन नॉट आइडेंटिफाइड फॉर विच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेदर फॉर कटिंग और फिनिशिंग, आप डायलेमा में है विच वन इज एप्लीकेबल, देन वन थिंग क्लियर, एलोकेशन नहीं होगा. एलोकेशन मीन्स एक्सपेंसेस डायरेक्टली गिवन फॉर विच डिपार्टमेंट. अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है तो लॉजिक बेस लगाने का जरूरत ही नहीं है. लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं है, आपको बुद्धि लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, रैशनलिटी लगाना पड़ता है, तब ये जान लीजिए आपका अपोर्शन. मतलब एलोकेशन होगा द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली गिवन, अपोर्शनमेंट होगा द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली गिवन. मतलब एक्सपेंसेस नॉट गिवन डायरेक्टली, दैट इज डिपार्टमेंट वाइज. और यहां पर एक्सपेंसेस गिवन ग्रॉस वाइज, इन ग्रॉस, नॉट आइडेंटिफाइड डायरेक्टली. मतलब ये प्रोडक्शन सेंटर वाइज अगर डायरेक्टली दे देता है तो एलोकेट अप्लाई कीजिए, अगर प्रोडक्शन सेंटर वाइज डायरेक्टली नहीं देता है, जैसे पावर P1 का कितना, P2 का कितना आपको पता नहीं है, तो आपको कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा. जैसे ही ये वर्ड आता है कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा. आप सुन समझ लीजिए, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एलोकेशन, इट इज टॉकिंग अबाउट अपोर्शनमेंट. तो क्लियर? तो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट का ही काम करेंगे, रीअपोर्शनमेंट का काम हम लोग अभी नहीं करेंगे. तो चलिए आते हैं, इसका काम करते हैं. अब मुझे मोचना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन और चारा नहीं है. मल्टीपल रेट में एक चीज तो कंफर्म ही हो गया, सब थोड़ा जगह भरा लगता है. Statement showing allocation of expenses over it. Particulars amount basis production P1 production department, दो department है आपका P1 and P2. करते हैं, पहले ले लेते हैं जो एलोकेटेड हो सकता है. चलिए इनडायरेक्ट सर, डायरेक्ट वेजेस है क्या ले सकते हैं? अरे भाई डायरेक्ट वेजेस क्या ओवरहेड है आपका, क्यों उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? तो डायरेक्ट वेजेस तो दिया है, दिया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन क्या डायरेक्ट वेजेस आपका ओवरहेड है? सोच के देखिए, डायरेक्ट है तो आइडेंटिफाइड डायरेक्टली, तो कैसे ओवरहेड हो सकता है? नो सर, तो डायरेक्ट वेजेस देने से भी हम लोग नहीं लिखेंगे. अच्छा सर, डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया तो तब भी नहीं लेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है और किसी कारण नहीं लगेगा इसलिए दिया है. ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस तो आएगा. हां सर, इनडायरेक्ट वेजेस
सर ये डायरेक्टली बोल दिया है 2000 3000, सो वी कैन से दैट एलोकेशन, वी आर डूइंग एलोकेशन 2000 3000, टोटल 5000, बेसिस एलोकेशन मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट तो दे दिया है इंफॉर्मेशन, क्या बुद्धि लगाना है। इनडायरेक्ट मेटेरियल, मैटेरियल्स कितना 5000 2000, ये भी एलोकेटेड। अब एक एक को पकड़ते हैं, मतलब ये दोनों एलोकेटेड था, इसके बाद ये जो लिस्ट है ये तो बोला नहीं गया है P1 का कितना, P2 का कितना। हाँ सर, मतलब उसको आप एलोकेट तो नहीं कर सकते, उसके लिए कौन सा टर्मिनोलॉजी एप्लीकेबल होगा, अपोर्शनमेंट। क्लियर? तो अब्सॉर्प्शन करने के लिए मेरे पास दो टेक्निक रहा, पहले एलोकेट उसके बाद अपोर्शन। चलिए अपोर्शन करते हैं, पहले ही पावर अमाउंट कितना है 18000। एलोकेट नहीं है मतलब अपोर्शन करना है, अपोर्शन करने के लिए कोई बेसिस, तो पावर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस हो जाता है एक मशीन का कैपेसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मशीन चलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है पावर। तो ये पावर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हॉर्स पावर। तो 40 हॉर्स पावर 50 हॉर्स पावर, तो एलोकेशन का बेसिस क्या होगा, एचपी ऑफ मशीन। यहां पर एक डिबेटेबल इश्यू है, मैं अभी आपके सामने नहीं उठाऊंगा, इज इट ऑन द बेसिस ऑफ द हॉर्स पावर, ना हॉर्स पावर के साथ कितना प्रोडक्शन आवर हो रहा है वो भी। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप लोग हॉर्स पावर पकड़ के ही चलिए पावर को, कितना हॉर्स पावर 40:50, तो आराम से कर लीजिए 40:50। आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा कंप्लेन आया है मेरे पास रिगार्डिंग सर कैलकुलेशन गलत था, सॉरी भाई, ये आप लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निर्भर करता है, मैंने ही अकाउंट्स कराया था। डेप्रिसिएशन रेट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कॉस्ट ऑफ द मशीन, वैल्यू ऑफ द मशीन, तो विच वन इज इंपॉर्टेंट, बाबा भी उठ गया, वैल्यू ऑफ द मशीन। तो यहां पर P1 में कितना, P2 में कितना नहीं बोला, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन 10000 बोल दिया, मतलब मुझे बेसिस कुछ करना पड़ेगा। बेसिस क्या है, वैल्यू ऑफ मशीन, कितना वैल्यू ऑफ मशीन 60000:40000, मतलब कुछ रेशियो तो आपको निकालना पड़ेगा, तो रेशियो होगा वैल्यू ऑफ मशीन 60000:40000, मतलब 10000 को इस बेसिस में आप एलोकेट कर दिए। रेंट, एक ही बिल्डिंग है वहां पर काम हो रहा है, मतलब एक एरिया में एक ये पूरा फ्लोर है, इसमें ये पार्ट कटिंग का काम करता है, ये कार्ड फिनिशिंग का, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जो जितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया है ऑन दैट बेसिस, तो एरिया का रेंट का 15000 रुपया जो अमाउंट है किसके ऊपर एलोकेट होगा, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया कितना है 600:400। आप गलती से भी इसको छोटा मत करिए, 6:4 ना जो है वही रखने दीजिए, 15। मतलब 15000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600 रेंट। सनरीज, किसके ऊपर काम होता है सनरीज, सर यहां पर तो कोई बेस समझ में नहीं आया, एचपी नहीं, वैल्यू नहीं, फ्लोर एरिया, हाँ प्रोडक्शन आवर भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जाता है डायरेक्ट वेजेस, मतलब
जो जो वर्कर लोग रेगुलर काम करता है उसको सपोर्ट देने के लिए मुझे ये सब सैलरीज कच्चा करना पड़ता है। तो सैलरीज इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्ट वेजेस। सर मैं अगर प्रोडक्शन आवर के ऊपर करूंगा काट देगा? नेवर। वो भी माना जाता है एप्लीकेबल है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना? सैलरीज डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है 20,000 इज टू 10,000, 6,000, 3,000। सनरेज उसके बाद सर क्यों डायरेक्ट वेजेस के ऊपर हुआ? बेसिकली सनरेज जो है वो डिपेंड करता है कितना वर्कर लोग काम करता है, कितना और काम होता है इसके ऊपर, इसलिए मैंने डायरेक्ट वेजेस को बेस माना है। अगर कोई चाहे तो प्रोडक्शन आवर को भी बेस मान सकता है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट होता है अगर डायरेक्ट वेजेस को आप बेस मान के चलते हैं। मतलब सैलरीज जनरल एक्सपेंसेस बेसिकली रिलेटिंग टू द वर्कर्स वर्क्स, वर्कर्स वर्क मतलब डायरेक्ट वेजेस को ही मैंने इंपॉर्टेंट माना है इस सिचुएशन में। सैलरीज उसके बाद कैंटीन एक्सपेंसेस, कितना 4,000। P1 का कितना, P2 का कितना तो बोला नहीं, मतलब एलोकेशन नहीं होगा तो अपोर्शनमेंट ही करना पड़ेगा। अपोर्शनमेंट किसके बेसिस में? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ट्वेंटी इज टू सिक्सटी 4,000 डिवाइडेड बाई 18 1,000 3,000। कैंटीन के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट पावर, मतलब जो जो लाइट्स है। तो देखिए यहां पर अगर टेल लाइट से हो सकता है, यहां पर टू लाइट्स, मतलब ये लाइट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जैसे रेंट डिपेंडेंट है, लाइट भी उसी तरीके से डिपेंडेंट है। रेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फ्लोर एरिया। तो रेंट कितना? रेंट 15,000 आई, लाइट इलेक्ट्रिसिटी 16,000, कितना? फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया कितना? 9,600 and 6,400। और कुछ है? देखिए इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, पावर, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरीज, कैंटीन, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। डायरेक्ट वेजेस क्यों नहीं हुआ? डायरेक्ट में वेजेस नहीं हुआ बिकॉज इट इज नॉट एन ओवरहेड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है वहां पर जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस लगता है वो तो पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द आपका ओवरहेड, इसलिए नहीं आया। अब स्टेप वन शुरू हो गया, टोटल ओवरहेड। कैलकुलेट करो, 2,000 + 5,000 + 8,000 + 6,000 + 9,000 + 16,000 = 46,000। मतलब P1 के लिए टोटल ओवरहेड आपके पास आ गया है 46,000 rupees 46,000। P1 मतलब कौन सा डिपार्टमेंट? कटिंग। कटिंग के लिए टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के 46,000। और ये गलत हो गया था, ये 46,600 और 37,400। टोटल गलत भी हुआ एक मारो बोली, आपको तो समझने में मतलब है। बी किसके ऊपर बेस करने के लिए बोला है? बेस आइडेंटिफिकेशन तो लोग कर ही दिए हैं, प्रोडक्शन आवर,
प्रोडक्शन आवर। जैसे ही आप लोग यहां पर प्रोडक्शन आवर लिखते हैं, इसके साथ दो काम हो जाता है, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया बेस क्या है, प्रोडक्शन आवर दैट इज बेस। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम है तो थोड़ा लिख के कराते हैं। रिकवरी बेस, रिकवरी बेस प्रोडक्शन आवर। कितना प्रोडक्शन आवर? 1000 और वो 2000। रिकवरी रेट, मतलब पर आवर कटिंग के लिए उसका खर्चा होता है 46.6 और पर आवर फिनिशिंग बा पॉलिशिंग पेस्टिंग जो बोलते हो फिनिशिंग के लिए उसका खर्चा होता है 18.7 पर आवर। मतलब ये जो प्रोडक्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव थे तो टोटल कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस बोल दिया था, लेकिन प्रोडक्शन टाइम में कटिंग का टाइम बोला था 5 आवर लगेगा और पेस्टिंग बा फिनिशिंग का टाइम रहेगा 10 आवर। खर्चा टोटल कितना होगा? कटिंग के लिए 5 आवर लगता है तो एक एक आवर का खर्चा 46.5, तो 5 आवर का खर्चा 46.6 into 5 आवर्स। सिमिलरली पेस्टिंग लगता है 10 घंटा उस आइटम बनाने के लिए, उसका टोटल रेट क्या है 18.7, मतलब एक आवर पेस्टिंग का काम होता है तो 18.7 रुपया खर्चा होता है। टोटल पेस्टिंग का खर्चा कितना हुआ है, काम कितना हुआ है 10 आवर्स, तो टोटल खर्चा कितना होगा 18.7 इंटू 10। दैट इज द फर्स्ट पार्ट हुआ ओवरहेड एंड रिकवरी रेट। बस ये फर्स्ट काम, मतलब ये सॉल्यूशन वन का पार्ट। टू, टोटल कॉस्ट आपको एस्टिमेट करना है, तो लास्ट ईयर का डेटा था उसको बेस करके नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट करना है। डायरेक्ट मटेरियल, इसको मैं बोल सकता हूं प्राइम कॉस्ट। मतलब देखते हैं, मैंने बोला था ना डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो यहां पर आया। अब आ रहा है ओवरहेड, कटिंग 5 आवर्स इंटू रुपीज 46.6 इंटू 5 2233। मतलब उस प्रोडक्ट के लिए कटिंग के लिए खर्चा पड़ता है 233 ऑन एन एवरेज बेस्ड ऑन द रिकवरी रेट, एंड फिनिशिंग के लिए बा पेस्टिंग के लिए 10 आवर्स, और एक एक आवर का आपने रिकवरी रेट निकाला है 18.7 करके 8187, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया, अगर देते तो आप लोग ऐड कर देते, प्लस 187 प्लस 1300 1720 रुपीज 1720। अगर यहां पर प्रॉफिट बोलते हैं, एट प्रॉफिट मैंने तो नहीं बोला, सेलिंग प्राइस हो जाए, कोई झमेला नहीं है, आराम से आपके पास आंसर क्लियर।
तो आपने क्या किया, अगर आपका सिंगल डिपार्टमेंट रहता तो आप सोच के देखिए अपना काम काम कितना इजी था, आपने ये सब झमेला ही नहीं था, कोई एलोकेशन बेसिस अपॉर्शनमेंट था ही नहीं, सभी एलोकेट था एक ही, तो सिंपल किसी पापा का एक लड़का है उसको जो जायदाद है किसको मिलेगा, उसको मिलेगा, किसी पापा का एक लड़का एक लड़की है किसको मिलेगा, सिर्फ लड़के को, एक थप्पड़ मारूंगा लड़का लड़की दोनों को ही मिलेगा। तब सवाल आता है अपोर्शन करके जाना, आइदर एलोकेट बोल दिया किसको कितना देना, अगर नहीं बोला तो किसी सुइटेबल लॉजिक के बेसिस में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो दैट इज अ सिस्टम ऑफ एलोकेशन। प्रॉपर्टी के लिए नियम है, क्यों इतना पूछ रहे हो, प्रॉपर्टी के लिए नियम है 1:1, तीन लड़का है तो 1:1:1, अगर पापा खुद बोल के नहीं जाते हैं किसका कितना है, किसना कितना है अगर भूल के जाते हैं तो एलोकेशन, और कुछ नहीं बोलते हैं तो आपको कुछ लॉजिक बना के करना पड़ेगा। तो कौन सा क्या लॉजिक होगा, लॉजिक एक ही होगा 1:1:1। यहाँ पर लॉजिक कोशिश करेंगे लॉजिक निकालने के लिए, हम लोग के पास लॉजिक निकाल भी जाएगा, इंफॉर्मेशन ऐसे ही देगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट मटेरियल तो बोल दिया था, बाकी किसी का नहीं बोला था, मतलब ये दोनों के लिए हुआ था एलोकेशन, एलोकेशन, और बाकी ये सब के लिए होगा अपोर्शन। तो अपोर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस को आइडेंटिफाई करना, तो बेस आपने बुद्धि लॉजिक से आइडेंटिफाई कर लिए, तो इसी के साथ आपने टोटल ओवरहेड कैलकुलेट कर लिए। देखिएगा वहां पर लिखा था स्टेप में अपोर्शनमेंट, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, तो पहला जो स्टेप मेरा एलोकेशन था, ये पार्ट मेरा अपोर्शनमेंट था, तो ये करने के बाद मेरा टोटल ओवरहेड आ चुका था। टोटल ओवरहेड P1 मतलब कटिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पापा का दो लड़का, बड़ा लड़का छोटा लड़का, पापा ने बोल दिया है, ऐसे करके टोटल ओवरहेड आ गया। प्रोडक्शन ओवर मतलब दैट इज अ रिकवरी बेस, जिसके बेसिस में आप खर्चे को इन ओवरहेड को प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करेंगे, जो काम है यहाँ का, तो 1000-2000 रिकवरी रेट भी आपके पास आ गया। नाउ यूजिंग दैट रिकवरी रेट यू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मतलब मेटेरियल आपके पास है, डायरेक्ट वेजेस आपके पास है, प्राइम कॉस्ट आ गया, उसके साथ आप कटिंग फिनिशिंग का ओवरहेड ऐड करके आप टोटल कॉस्ट निकालिए, दैट इज माय प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। सो दैट इज द सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। होप आपके लिए ये मैटर क्लियर हो जाएगा। आप आराम से ध्यान से इसको 2-3 बार वीडियो ऑन करके आप देखिए, ठीक है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ग्रेजुअली मैं उसका लेवल बढ़ाऊंगा, कैसे सर, यहाँ पर आपने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया है, नेक्स्ट जब वीडियो में अपलोड करूंगा वहां पर सिर्फ प्रोडक्शन नहीं सर्विस डिपार्टमेंट भी आएगा। सर्विस डिपार्टमेंट क्यों, क्या, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा रात में रट्टा मार लेता हूँ उसके बाद।